हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू आवर चैनल आर हेल्थ एंड वेलनेस सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्दर पार्ट ऑफ द चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड शॉर्ट्स हमने डिस्कस किया था जो एसिड्स हमारे प्लांट मटेरियल्स और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स हमारे नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स के एसिटिक एसिड जिसको हम इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं सिट्रिक एसिड लैक्ट्रिक एसिड टार्ट्रिक एसिड ऑक्जैलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड जिसको हम मिथेनॉइक एसिड भी कहते हैं कुछ नेचुरल सोर्सेज ऑफ दीज ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं जैसे एसिटिक एसिड आपको विनेगर में मिलेगा जिसको हम सरका भी कहते हैं सिट्रिक एसिड आपको मिलेगा सिट्रस फ्रूट्स में जैसे लेमन एंड ऑरेंजेस आपका लैक्टिक एसिड आपको प्रेजेंट होता है सार मिल्क में या कर्ड में दही में टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है टेमरेंड इमली या अनराइप जो कच्चे ग्रेप्स होते हैं उनमें ऑक्जैलिक uh, एसिड आपका प्रेजेंट होता है टोमेटोज में जबकि फॉर्मिक एसिड मेथेनॉइक एसिड की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है आंट स्ट्रिंग या नेटल लीफ स्टिंग चीटियाँ या नेटल लीफ अगर काट लेती है तो उसके स्टिंग में प्रेजेंट होता है आपका फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड या नेचुरली अकरिंग एसिड्स जो होते हैं वो आपके वीक एसिड्स होते हैं इट इज़ नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक सब्सटेंसिस कंटेनिंग नेचुरली अकरिंग एसिड्स इन दैम इन सब्सटेंसेस को खाना या ड्रिंक करना नुकसानदेह नहीं होता हमारी सेहत के लिए जो एसिड्स हम मिनरल्स ऑफ द अर्थ से प्रिपेयर करते हैं उनको हम मिनरल एसिड्स कहते हैं मिनरल एसिड्स मैन मेड एसिड्स होते हैं तो जो मोस्ट कॉमन थ्री मिनरल एसिड्स हो जाते हैं दीज आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड जो कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं वो हमारे हैंड्स और क्लोथ्स को बर्न कर सकते हैं तो इन एसिड्स को हमें बहुत ही केयर से हैंडल करना पड़ता है लैब में क्या होता है कि इन एसिड्स को पानी से मिक्स कर दिया जाता है इनको डाइल्यूट कर दिया जाता है इसीलिए इनको हम डाइल्यूट एसिड्स कहते हैं डाइल्यूट एसिड्स हमारे लिए कम हार्मफुल होते हैं कंपेयर टू कंसनट्रेटेड एसिड्स जो हमारा कार्बोनिक एसिड है दैट इज ऑल्सो अ मिनरल एसिड लेकिन ये वीक एसिड होता है तो अब हम बात करेंगे स्ट्रांग एसिड्स एंड वीक एसिड्स के बारे में जितने भी एसिड्स होते हैं उनको टू ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स जो हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जबकि एसिटिक एसिड इथेनॉइक एसिड जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड सिट्रिक एसिड टाट्रिक एसिड कार्बोनिक एसिड ये सभी हमारे वीक एसिड्स होते हैं तो जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं